हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो बॉयज़ एक्सपेरिमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि डीसी मोटर जो होता है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें और उसको कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्मेचर टर्मिनल है डीसी मोटर का A1 A2 और यहाँ पे फील्ड टर्मिनल है F1 F2। तो हम लोग इसको संट में कनेक्ट करके, संट मीन्स पैरेलल में कनेक्ट करके आज हम लोग इसको चलाएंगे। ये मेरा मोटर जो है डीसी संट डायनमोमीटर स्विंग टाइप है जो कि 2.2 किलोवाट का है और 3000 आरपीएम का। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं A1 F1 से और A2 F2 से। इसके बाद ये मेरे पास सप्लाई है एक, जिसको हम लोग A1 में कनेक्ट करेंगे पैरेलल में रखते हुए। और यहाँ पे दूसरी सप्लाई है, इसको A2 में कनेक्ट करेंगे। डीसी मोटर को जनरली हम लोग स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी मेरे पास है डीसी डायनमोमीटर एक्साइटर, तो इससे हम लोग सप्लाई चेक करके जो है इस मोटर को रोटेट करवाएंगे, इस मोटर को ऑन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे 230 वोल्ट का सिंगल फेज सप्लाई देंगे हम लोग इस डीसी डायनमोमीटर एक्साइटर में, और यहाँ से हमको मोटर का टर्मिनल जो है F1 F2 और A1 A2 मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा A1 A2 टर्मिनल वर्क नहीं कर रहा है, तो हम लोग F1 F2 से ही चलाएंगे, क्योंकि मैं मोटर के पास ही जो है उसको पैरेलल में कनेक्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बस दो टर्मिनल बचते हैं, तो इन दोनों टर्मिनल को एक F1 में और एक F2 में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे अब हम लोग 220 वोल्ट का सिंगल फेज सप्लाई देंगे। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ मेरे पास सिंगल फेज सप्लाई है, अब इसको हम लोग इसमें लगा देते हैं। इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक लगाएंगे ताकि इसके बॉडी में टच ना हो वायर। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर से सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट और या फिर 230 वोल्ट, और यहाँ पे हम लोग पहले टर्मिनल वोल्टेज को मेजर कर लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इसको ऑन करेंगे MCB को और एक्साइटर को ऑन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वोल्टेज को अप्लाई करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा। तो सप्लाई ऑन हो चुकी है, अब हम लोग सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि AC वोल्टेज मेरा कितना आ रहा है। तो AC वोल्टेज चेक करेंगे सबसे पहले, अभी 70 वोल्ट आ रहा है, इसको 100 वोल्ट करते हैं हम लोग, 112-113 वोल्ट। अब इसके बाद हम लोग MCB को ऑन करेंगे और मोटर को धीरे धीरे एक्साइट करेंगे, क्योंकि हम लोग स्लोली एक्साइट करेंगे जो है रेगुलेटर से। अभी हम लोग सप्लाई कर चुके हैं और यहाँ पे मोटर को ऑन कर चुके हैं, अब मोटर को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मोटर जो है स्टार्ट हो चुका है। अभी इसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं हम इस एक्साइटर के हेल्प से। स्टार्ट हुआ है वो मोटर, लगभग 15 या 20 वोल्ट पे स्टार्ट हो चुका है, आपको दिखा दूं। मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं, क्वालिटी 1 वोल्ट DC का भी। ये जो मोटर का रोटेशन है, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। इसको क्लॉकवाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे फील्ड टर्मिनल को अपोजिट में कनेक्ट करते हैं। इस स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं एक्साइटर द्वारा। फ्रेंड्स, इस जो मेरा मोटर था एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था, इसको क्लॉकवाइज करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस F1 F2 को जो है हमको अपोजिट कर देना है F2 और F1 में, F1 को F2 में और F2 को F1 में। इसके बाद अब मेरा जो रोटेशन होगा DC मोटर का वो चेंज हो जाएगा, आपको एक बार दिखा दूँ रोटेट करवा के। ऑन हो चुका है, तो आप देख सकते हैं रोटेशन मेरा जो है
अभी चेंज हो चुका है फील्ड टर्मिनल को चेंज करने से। और फ्रेंड्स यहाँ पे इनकोडर भी हम लोगों ने लगाया है, स्पीड इनकोडर इंक्रीमेंटल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स, आप मेरे इस इलेक्ट्रोबॉज एक्सपेरिमेंट चैनल पर बने रहिए, मैं इसी प्रकार से वीडियोज लाता रहता हूँ। धन्यवाद।